हमारा तीसरा दिन शुरू हो चुका था और हम थे हमारे होटल के बाहर, हॉलीडे इन एक्सप्रेस जुमैरा बर दुबई वाले होटल के बाहर, और शटल के लिए वेट कर रहे थे जो मिस हो गई थी पिछले दफ़ा। और हमें जाना था दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू, जो दुबई मॉल में स्थित है। तो हमें फाइनली अपनी शटल मिल चुकी है, हम वक्त से पहले ही आके वेट कर रहे थे शटल के लिए, तो फाइनली मिल गई और हम निकल पड़ते हैं दुबई मॉल की तरफ। तो ये सारे जो नज़ारे हैं वो उसके बीच वाले नज़ारे हैं और काफ़ी बढ़िया है। तो जैसे कि ये सिटी, मैंने पिछले भी वीडियोस में कहा था, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बढ़िया इनका प्लानिंग है। तो ये जो पूरा एरिया है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह है, रेजिडेंशियल एरिया है, और जो बिल्डिंग्स की हाइट आप अगर देख सकते हो तो एक मीडियम लेवल पर ही है, ज़्यादा टावर्स वगैरह कुछ नहीं है। तो उनका प्लानिंग ही ऐसा है कि सब कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ, और ये बड़े बड़े मैंशंस दिख रहे हैं और सारे रेत के कलर के मैंशंस है, सैंडी कलर है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है ये सिटी को। तो इंडिया में लगातार आप अगर देखोगे तो घर के जो कलर्स वगैरह होते हैं वो पूरे मिक्स होते हैं, किसी का ब्लू रहता है, किसी का पिंक रहता है, किसी का सिर्फ ऑफ वाइट रहता है, क्रीम रहता है, तो ढेर सारे कलर्स आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ये एज़ इट इज़ एन अरेबियन सिटी, तो इसके वजह से भी हो सकता है, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया, लेकिन जो भी आपको दिख रहा है आंखों के सामने, तो मोस्टली जो घर है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, वो सारे ऐसे सैंडी ब्राउन कलर में ही है, और इसके वजह से ये थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड और उभर उभर के दिखता है। और ये जो एरिया है, यहाँ पे हमारी बस सिग्नल के लिए रुक रही थी, वेट कर रही थी, तो ये जो एरिया है वो सिटी वॉक वाला एरिया है। अगर आपने हमारा पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा सिटी वॉक क्या है, तो वहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है, सारे डिटेल्स मैंने वो वीडियो में बताए हैं। तो ये सुबह वाला नज़ारा है सिटी वॉक का, एंड आफ्टर दैट वो पूरे लो राइज बिल्डिंग्स और कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, वहाँ से बहुत ही अलग नज़ारे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो मेन सिटी साइड है, यहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑफिसेज है, यहाँ पे भी रेजिडेंशियल एरियाज़ है, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा कमर्शियल जो भी ऑफिसेज है या फिर जो लोग यहाँ पे काम पे आते हैं, तो ऐसा एक एरिया है ये। तो ये भी सामने जो दिख रहा है वो भी एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही है। एंड फाइनली हमारी शटल दुबई मॉल पहुंच चुकी है, और ये जो है वो दुबई मॉल के बाहर वाला नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया है। और पीछे देखो, आप देख सकते हो बुर्ज खलीफा, तो ये जो बुर्ज खलीफा और जो दुबई मॉल है वो आसपास ही है, कनेक्टिंग कनेक्शन है, तो उसके वजह से आपको बुर्ज खलीफा के लिए कहीं और या दुबई मॉल के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, दोनों आसपास ही है। और तो दोस्तों, ये है दुबई मॉल, और जो दुबई मॉल का जो लैंड एरिया है टोटल, तो उसके हिसाब से दुबई मॉल जो है वो पूरे दुनिया में दूसरे पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? ईरान मॉल है। तो टोटल ये जो कंपैरिजन है वो पूरा जो टोटल लैंड एरिया जो ये मॉल स्थित है, तो उस लैंड एरिया के हिसाब से है, और उसकी 26th प्लेस है एज अ लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल पूरी दुनिया में। वो किस बेसिस पे है कि जो भी लीसेबल जो आप जो स्टोर्स वगैरह होते हैं जो आप लीज को देते हैं, करेक्ट, तो उसके हिसाब से ये 26th प्लेस पे है दूसरे मॉल्स के साथ, जो है कनाडा वाला वेस्ट एडमंटन मॉल है, और एक फैशन आइलैंड करके एक मॉल है जो कैलिफोर्निया में है, तो इन दोनों मॉल्स के साथ ये शेयर करता है 26th प्लेस। तो एक्वेरियम का छोटा सा हिस्सा जो है वो बाहर भी दिखता है, तो मॉल में जब हम चलते हैं तो चलते चलते हमें दिख जाता है ये हिस्सा, और ढेर सारी फिशेस वगैरह यहाँ पे भी दिखाई देती है। तो अगर आपको अंदर जाने में इंटरेस्ट नहीं है, टिकट्स नहीं खरीदनी, तो आप मज़ा बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा देखना हो, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए, तो ज़रूर टिकट खरीदिएगा और अंदर जाइएगा। दो जेंटलमैन वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने हमारा फ़ोटो लिया, और उसकी कहानी मैं बाद में बताऊँगी। ये है अंडर वाटर टनल, तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली ढेर सारी वेराइटीज़ फिशेस की दिखेंगी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू लाइट है, तो फिशेस के कलर उतना उभर उभर के नहीं आ रहे, हालांकि अभी एक येलो फिश आपने देखी तो वो तो दिख रही है, लेकिन जो उससे थोड़ा लाइट कलर की फिशेस है उसका कलर इतना उभर नहीं आ रहा है। देखिए शार्क,
तो शार्क को मैंने पहली बार ऐसे देखा है लाइव और बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे। ये जो अभी गई वो रे फिश है, ये भी एक ऊपर जो दिख रही है वो अलग टाइप की एक शार्क है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे से लेके बड़े से लेके डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फिश, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उन्हें। और यहाँ पे सिर्फ देखने के अलावा और भी कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अनदर शार्क, तो जिसको भी शार्क पसंद है उसे तो बहुत मज़ा आएगा। और ये जनाब जो है वो फिशेस को खाना दे रहे हैं, तो ये भी सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। एंड बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस है ये अंडर वाटर टनल। यूजुअली हम एक्वेरियम देखते हैं, घर पे रहता है, छोटा सा रहता है, कभी कभार थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन ये वाला जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि समुंदर के नीचे से ही हम, जब नीचे जो भी है, जैसा भी एनवायरनमेंट है, वही यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने बनाया है। और ये जो आपने अभी देखा, ये शार्क देख रहे हो, वो जो है वो सॉ शार्क है। और ये जो है वो एक ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक रे जो है वो है। एंड देन हम फिर से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो लगभग 1 आवर के ऊपर लग ही जाता है ये एक्वेरियम और अंडर वाटर जू का टूर जो है वो। पर इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ और अवेलेबल है, उसके लिए आपको अलग से टिकट परचेस करना पड़ता है या फिर एड ऑन्स करने पड़ते हैं, जो 100 AED और वगैरह देकर करना पड़ता है। ये जो है वो रेन फॉरेस्ट का जो एनवायरनमेंट होता है उसको डिपिक्ट किया गया है। और ये जो फ़िश देख रहे हो आप वो डिस्कस फिश है, मुझे पता नहीं था, वहाँ पे लिखा था। तो ये जो एरिया है, जैसे कि मैंने कहा, वो एक रेन फॉरेस्ट का एरिया है। तो रेन फॉरेस्ट में जैसे जैसे जानवर होते हैं, एक्वेटिक लाइफ होती है, तो उसका एक डिपिक्शन किया गया है, उसका मतलब एक मॉडल जैसे बनाया गया है इस सेक्शन में। तो ये देखो, एक फ़िश जो ब्लैक में, उसके गोल्डन स्पॉट्स जैसे कुछ दिख रहे हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेन फॉरेस्ट करके। और ये जो है वो टर्टल्स है, और इनका सब जो भी पानी का टेम्परेचर है, पीएच लेवल है, या जो भी है, वो सब कुछ मेंटेन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ धुआँ धुआँ जैसे निकल रहा है वहाँ से। तो ये सब अरेंजमेंट्स इनके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनका जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जो समंदर में होता है एनवायरनमेंट वगैरह जो भी है, तो उसका एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी उनको मिलना चाहिए, ताकि तभी वो जाके वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, दुबई जो है वो एक डेजर्ट है, और यहाँ के टेम्परेचर्स अक्सर कहीं ज़्यादा मतलब हाई होते रहते हैं। तो जब हम ऐसे जानवरों को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ब्रीड करते हैं, तो उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट्स के हिसाब से रखना ज़रूरी होता है। तो ये बात तो हर जगह पे अप्लाई होती रहती है। तो एंजॉय करिए यहाँ के नज़ारे। अगेन, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फ़िश एक ही सेक्शन में आपको दिख रहे हैं। तो वहाँ पे आपको एक रेड कलर में एक जनाब दिख रहे हैं बैठे हुए, वो कुकेटू बर्ड्स है। उनकी ढेर सारी वीडियोस इंस्टा में, यूट्यूब में वगैरह आती रहती है, और उनकी आवाज़ सुनने में और उनके खेल देखने में बहुत मज़ा आता है। एंड ये जो है अगेन ढेर सारी फिशेस है अलग अलग कलर की। और ये जो अंकल है वो थोड़े से उदास लग रहे हैं मुझे, उदास नहीं, अनॉयड लग रहे हैं। और यहाँ पे भी ढेर सारी अलग अलग वैरायटीज़ वाली फिशेस है। तो आप राइट घूमो, लेफ्ट घूमो, हर तरफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिशेस है। ऐसा नहीं है कि एक ही फ़िश रिपीटेडली प्रेजेंट है हर एरिया में, हर जगह पे, हर एक एक्वेरियम के इसमें अलग अलग डिफरेंट फिशेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे बहुत ही बढ़िया है, ब्लैक में वाइट स्पॉट वाली, बॉबी डॉट वाली रे फिश। तो पहली बार मैंने देखा है ऐसी वाली फ़िश। तो हालांकि इंडिया में भी कई छोटे छोटे ऐसे एक्वेरियम्स वगैरह होते हैं, लेकिन इतना वैरायटीज़ तो मैंने कभी भी अपने लाइफ में देखा नहीं है। तो ये एक एक्सपीरियंस जो है वो कम्प्लीटली एकदम अलग है। यहाँ पे छोटी छोटी फिशेस देखी, तो लेफ़्ट घूमो या राइट घूमो, आपको बहुत ही बढ़िया फिशेस के नज़ारे मिलने वाले हैं। इन फिशेस के नाम वगैरह हम इतना अच्छे से जानते नहीं हैं, लेकिन जो भी है, मज़ा तो बहुत आ रहा था हमें। इसमें मैं एक टिप्पणी देना चाहूँगी, क्योंकि जनाब को चलते चलते इतना पैर दर्द हो रहा था, क्योंकि
उनके जो शूज़ है वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो आप जब भी यहाँ पे आओगे दुबई मॉल या फिर जहाँ पे भी बहुत सारा चलना होता है ना, तो कंफर्टेबल शूज़ ज़रूर खरीदेगा, और ख़रीदने के बाद चेक करिएगा कि वो आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं, वरना ऐसे इश्यूज़ होते रहते हैं। एक्वेरियम के नज़ारे अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, अगले वीडियो में रंग बिरंगे नज़ारे और आपको आपके साथ शेयर करने हैं हमें, तो उसके लिए वेट करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना है ये कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था फ़ोटोज़ खींचे गए थे वो एग्ज़िट पे आपको दिए जाते हैं फ्रेम वगैरह बनाकर, और उसका एक प्राइस होता है, हमें इंडियन रुपीज़ 4000 पे करने पड़े उसके लिए। और वो जो स्टाफ थी वो काफ़ी रूड थी, पर हमें उस बात का तभी वो उस मोमेंट में पता नहीं चला क्योंकि हम फ़ोटोज़ देख के इतना खुश हो गए थे, हमारा पहली बार था। तो आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, खुश होकर सोचे समझे बिना पैसे खर्च ना करिए। काफ़ी बुरा लगा उस स्टाफ के बिहेवियर से, लेकिन जो भी आप बस ध्यान रखिए। तो इसके वजह से हम ये शेयर करना चाहते थे आपके साथ क्योंकि आपके साथ ऐसा ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए यूडीमोनियाज़ मिस्टर्स को। तो मैं निकी आप सबको थैंक यू कहती हूँ, बाय बाय।